हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए छेना यानी वाइट वाले रसगुल्ले, जो खाने बहुत ही अच्छे लगते हैं। उसके लिए हमने 1.5 लीटर दूध ले लिया है। उसको मैं हम थोड़ा सा पानी में मिला के विनेगर डाल देते हैं। उसे धीरे धीरे फाड़ेंगे, दूध हमारा अच्छे से फट जाएगा। ज़्यादा गर्म में नहीं डालना, ज़्यादा गर्म में क्या ज़्यादा टाइट हो जाता है, इसलिए थोड़ा ही गुनगुने दूध में हम धीरे धीरे इसको फाड़ेंगे। देखो, आप देख सकते हैं अच्छे से फट गया है। हम इसको निकाल लेंगे। इसको हम निकाल के ठंडे पानी में अच्छे से धो लेंगे। एक बार इससे इसके जो खटास होगा ना, वो निकल जाएगा। इसको हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं पानी में। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया है एकदम फट के। अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद इसे निकाल के हम एक कपड़े, सूती कपड़े पर डाल देंगे और इसे अच्छे से निचोड़ पोटली बना के अच्छे से निचोड़ देंगे। और हम फिर इसको वापस से किसी बर्तन में डाल देंगे और इसे अच्छे से गत्ती की सहायता से अच्छे से इसे मस लेंगे। अगर इसमें, वैसे तो इसमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर इसे थोड़ा गीला लगे तो इसमें थोड़ा सा अरारोट मिला सकते हैं। इसको हमने निकाल के रख दिया। तब तक हम अपनी चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। हमने आधा कटोरी चीनी ली है। इसी के से 1.5 कटोरी हम पानी डाल देंगे इस चीनी के, 1.5 गुना। और हम चाशनी बना के अपनी एक साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। चाशनी को थोड़े 10 मिनट के लिए पकाएंगे। अच्छे से बाहर आ गया है। इसको हम बंद करके बस इस तरीके से रखना है, इसे साइड में रख देंगे। और इसके लिए हम रसगुल्ला के लिए चाशनी बनाएंगे। कटोरी चीनी ली है और उसमें 1 लीटर पानी डाल दिया है। थोड़ी सी इलायची भी डाल सकती है, हमने डाल दी है खुशबू के लिए। और इसे गद्दी की सहायता से इसे अच्छे से मस लेंगे। और इसमें थोड़ा सा मैंने अरारोट भी डाल दिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा ढीला सा लग रहा था तो मैंने मिला लिया है। ज़रूरत हो तो आप भी मिला सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो इसे अच्छे से मस लेंगे। गोली बनने तक अपन चेक करते रहेंगे। गोली बनने लगे, एकदम फटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, चिपकना। इस तरीके से गोली बनाते जाएंगे। हम सारी गोलियाँ बना लेंगे इसी तरीके से। मैं और भी बना कर दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको बनाते जाना है सारी गोलियाँ, और अच्छे से बन जाती हैं। आप देख सकते हैं मैंने सारी बना ली हैं। देखो कितनी वाइट, एकदम सफ़ेद दिख रहे हैं ना, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ना। उबलते हुए पानी में डालते जाना है और इसे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। दादा जी, मेरा दूध, मैंने दूध नहीं लिया, ये मलाई में जो दूध निकलता है ना, उसी के मैं रसगुल्ले बना रही हूँ। और जो उसका पानी निकलेगा उस सब्जी में भी यूज हो जाएगा। पंद्रह मिनट हो गए हैं, रसगुल्ला हमारे अच्छे से पक गए हैं। तो इनको हमने छोड़ के जो चाशनी हमने बना के रखी थी उसमें डालते जाएंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने, एकदम रस भर गया है इनमें अच्छे से। मैं आपको काट के दिखाती हूँ, आप देख ही रहे होंगे आपको कितने अच्छे लग रहे हैं एकदम। इसे ऐसे बना के ट्राई जरूर करना। अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो।